नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 और 15 अक्टूबर की आपकी राशि की महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहने होंगे और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होगा। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 14 अक्टूबर की बात करें तो गुरुवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि रहेगी और उत्तराषाढ़ा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो धृति नामक शुभ रहेगा, साथ ही शूल नाम का भी योग इस दिन रहेंगे। ये दोस्तों, और राहु काल का समय दोपहर के 1:39 से लेकर शाम के 3:05 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन मकर राशि पर संचार करेंगे। वह दोस्तों, अगले दिन की बात करें अर्थात 15 अक्टूबर की, तो दोस्तों दिन शुक्रवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और श्रवण नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन गंड नाम का शुभ योग बन रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियां देने वाले होंगे। जी दोस्तों, राहु काल का समय दिन सुबह के 10:46 से लेकर दोपहर के 12:12 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मकर राशि के उपरांत कुंभ में गोचर कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का ये जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय व्यापारिक क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। वहीं दोस्तों, भवन से संबंधित नए कार्य भी यह समय पूरे हो सकते हैं। नए वस्त्र और आभूषणों से संबंधित खरीदारी इन दिनों में हो सकती है। दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको जो है अपने मित्रों का पूरा साथ मिल सकता है। इस समय जो है कुछ जो है शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी, जैसे सामाजिक कार्यों में आप महत्वपूर्ण योगदान यश में देंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो दिन होंगे आपके लिए, इन दिनों में आपको अपने विरोधियों से थोड़ा जो है सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि वो जो आपके विरोधी होंगे वे आपका नुकसान अधिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको समय समय पर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दोस्तों वो जो आपके विरोधी होंगे समय समय पर वे आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इन बातों का आप जो ध्यान रखें, आपके कामों में वे जो है व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लिए, इन दिनों में दोहरी जिम्मेदारियों वाला समय होगा। दोस्तों, प्रोफेशनल के साथ ही आप पर कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी आ सकती है। आप जो है दोनों के बीच खुद को थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपका जो दिन होगा इन दिनों में खुशनुमा रहेगा। आपके चारों तरफ ऐसे लोग रहेंगे जो आपकी परवाह करते हैं या जो आपको खुश देखना चाहते हैं। दोस्तों, इन दिनों में किसी भी मामले में आपको जो है निराश हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों ये समय है कुछ धन लाभ के योग के जो है संकेत दिखा रहे हैं। दोस्तों, वहीं इन दिनों में अगर आपकी जो करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय होंगे आपके करियर के लिए, जॉब के मामले में दिन जो है सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। बिजनेस में कुछ जो है नए प्रोजेक्ट हाथ लगने के जो है संकेत ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, आपकी आमदनी में जो है वृद्धि होगा और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आप और निकट आ पाएंगे, जिसके कारण दोस्तों आप जो है समय समय पर उनके कारण जो है लाभ और सुख सुविधाओं की प्राप्ति की भी कर सकेंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी जो है लव लाइफ को लेकर बात करें तो प्रेमी जीवन के लिए काफ़ी सुकून देने वाला समय सिद्ध होगा और इस दौरान जो है अपने रिश्तों में आप अपनेपन की महक देख सकते हैं। ये जो समय होगे आपके लिए, आप जो है पारस्परिक तालमेल को और भी बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, इन दिनों में जो है आपके लिए समय होंगे रोमांस के लिए ऐसे जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों के शाम को जो है साथी के साथ कहीं आप आउटिंग पर भी जा सकते हैं।
हेल्थ की अगर बात करें तो ये जो दिन होंगे आपके हेल्थ के लिए, आपको पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। आप जो है यश में सावधानी बरतें। इन दिनों में शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान आपको यश में रखना चाहिए। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग की बात करें तो भाग्यशाली रंग रहेगा नीला और भाग्यशाली अंक जो है वह रहेगा 8। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, आपको ननिहाल से जो है शुभ समाचार मिलेगा। दोस्तों यश में आपके आसपास का जो माहौल होगा आनंदमय और खुशनुमा रहेगा। ये जो दिन होंगे आपके लिए अपने दादा दादी तथा अन्य बड़ों से जो है मुलाकात आप करेंगे और उनके साथ जो है आनंदपूर्वक समय बिताएंगे। दोस्तों यह समय गणेश जी कहते हैं कि ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपका दिन मनोरंजन और खुशहाली में व्यतीत होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, आप जो है वर्क प्लेस पर प्रैक्टिकल कैलकुलेटिव और एनालिटिकल रह सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में आपकी ये क्वालिटी जो है आपको अपने रेगुलर काम में काम को संभालने में जो है मदद करेगा। ये जो दिन होंगे आपके लिए रेगुलर काम करने के लिए जो है उपयुक्त होगा। लेकिन दोस्तों जो यश में अहम जिम्मेदारियां होंगी उसे उठाने के बारे में आप ना सोचें तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये जो समय होंगे, गणेश जी का मानना है कि ये जो समय है आपके लिए लव लाइफ यानी आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो है ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप जो है कम भावनात्मक और अधिक व्यवहारिक हो सकते हैं। ऐसे में आपका पीढ़ी जो है आपके व्यवहार को देखकर सरप्राइज होगा और ये व्यवहार जो है आप दोनों के बीच के समीकरण को भी प्रभावित करेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो समय होंगे आपके लिए, अगर आप जो है आयात निर्यात धंधे में हैं तो ये जो दिन है बड़े काम का दिन होगा। इन दिनों में जो है आपका व्यापार से कोई धन लाभ मिल सकता है, व्यापार के नए प्रस्ताव आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। दोस्तों इन दिनों में सभी जो है विकल्पों को गौर से समझिए, जो अच्छा लगे उनमें आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो समय होंगे आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली समय होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में गणेश जी का सुझाव है कि अपने आने वाले मूड में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनमें आप नियंत्रण रखें। सेहत की दृष्टि से ये जो दिन है औसत दिखाता है। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि आपका भावनात्मक जो बेरोमीटर है सीधा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा होगा। यानी दोस्तों ये जो समय होंगे आपको अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना होगा। दोस्तों इन दिनों में गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा दिन नहीं होगा। दोस्तों चलते फिरते समय जो है आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। दोस्तों इन दिनों में आपका कोई भी पुराना मित्र होगा जो आपको कारोबार में मुनाफा करने के लिए आपको सलाह दे सकता है। अगर इस सलाह पर आप जो है अमल करते हैं तो आपको धन लाभ से परिपूर्ण आप रहेंगे। यानी दोस्तों इन सलाह से आज जो है आपको धन लाभ ज़रूर होगा। वही दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, इन दिनों में आप सोते समय एक तांबे के पात्र में जल रखकर अगली सुबह घर के पास किसी पेड़ की जड़ में उसे डाल दें और इसे डालने से आपकी जो सेहत यश में प्रभावित है या फिर आने वाले समय में प्रभावित होगी वह बेहतर होगी। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति आपको बिना किसी कारणों से आपको परेशान करते रहते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं आपको चिढ़ाते रहते हैं, या फिर आपके परिवार को या फिर आपके घर के किसी सदस्यों को परेशानियों में डालने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों यशु में आपको यश में कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों यशु में आपको शनिवार की रात्रि को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार उसका नाम बोलकर फूंक मारें और अगले ही दिन रविवार को इनको आप आग में जला दें। यह प्रयोग लगातार आप 7 बार करें। इससे दोस्तों अभिष्ट व्यक्ति का वशीकरण होता है। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा होता है तो दोस्तों वह शांत भी हो जाएगा। दोस्तों इन उपायों को आप जरूर करें, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि ये उपाय आप केवल अपने शत्रु जो आपको परेशान करते हैं उनके लिए करें, लेकिन दोस्तों अपनी बुरी भावना अथवा किसी के अहित करने के लिए इन उपायों को आप बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, और शादी दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।